आज हम बनाएंगे पनीर 65, एकदम चटपटा, बहुत ज़्यादा टेस्टी और ख़ास तरह का कुरकुरा। इसे आप स्नैक्स के रूप में बनाएं या स्टार्टर के रूप में, हमेशा पसंद करेंगे। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये हमने ले लिए हैं 2 पनीर के पैक 400 ग्राम। इनके पीसेस बना लेते हैं। पीसेज आप अपनी पसंद से थोड़े से छोटे या थोड़े से बड़े बना सकते हैं। इस साइज के मैंने पीसेस बना लिए, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत छोटा है, मीडियम साइज के पीस बनाए हैं। एक पैकेट से 12 पीस बना लिए हैं। ये दूसरा भी काट लेते हैं। पनीर काट कर तैयार कर लिया। अब मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ये नमक 3/4 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इस मिर्च की खास बात यह है कि ये कलर अच्छा देती है और तीखा बहुत ज़्यादा नहीं करती, उतना ही तीखा होता है जितना कि आपको अच्छा लगता है। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच ताज़ा क्रस्ट काली मिर्च और 1/2 छोटी चम्मच जीरा। अब पनीर के ऊपर कोटिंग के लिए हमने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा। मैदा की जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। सारे मसाले और मैदा कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें डाल देते हैं ये पनीर के पीसेस। इनको हल्के हाथ से मिक्स करते हैं। पनीर के पीसेस टूटने नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से मसाले के अंदर कोट हो जाने चाहिए। ये मसाले देखिए कोट हो गए पनीर के ऊपर। ये एक नींबू ले लिया है काट कर, इसका रस निकाल के डाल देंगे। सारा रस नहीं डाल रही हूँ, ये बहुत बड़ा नींबू है, लगभग 2 चम्मच नींबू का रस चाहिए हमें। ये मैंने छोड़ दिया है। बाकी नींबू के रस की जगह आप 1/4 कप दही भी ले सकते हैं। और ये 2 छोटे चम्मच अदरक मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च और 1 चम्मच अदरक, मिक्स करते हैं। अब इसमें डालेंगे 2-3 टेबल स्पून पानी, इतना कि मसाले पनीर के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाएं। अच्छे तरीके से मिला लीजिए। तो ये देखिए अच्छी सी कोटिंग आ गई पनीर के ऊपर, ये तैयार हो गया। अब आइए गैस के पास। इन्हें तलने के लिए तेल हमने पहले ही से गर्म करने रख दिया था, तलने के लिए डालते हैं। इन्हें तलने के लिए ऑयल मीडियम हाई गर्म होना चाहिए और फ्लेम भी मीडियम हाई हो। इन्हें डालने के बाद तुरंत बिल्कुल मत टच कीजिए, 3-4 मिनट सिकने दीजिए। जब ये थोड़े से नीचे से सिक जाएंगे तब हम इन्हें पलटेंगे। ये नीचे से हल्के हल्के सिक गए हैं। अब आप इन्हें घुमाकर पलटकर चारों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए, फ्लेम मीडियम हाई। ये देखिए चारों तरफ अच्छा सा कलर आ गया है, क्रिस्पी दिख रहे हैं। निकालते हैं इन्हें और बचे हुए पीसेस भी इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। ये तलकर तैयार हो गए। एक बैच को सिकने में 6-7 मिनट लग जाते हैं। और ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये चारों ओर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट। अब इनके लिए तड़का तैयार करते हैं। तो ये पैन ले लिया और इसमें डाल दिया 2 छोटे चम्मच ऑयल। गरम ऑयल में डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच सरसों के दाने, 1/2 छोटी चम्मच जीरा। आप अकेले सरसों के दाने या अकेला जीरा भी डाल सकते हैं। ये भुन गए, अब इसमें डाल दीजिए करी पत्ता और फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दीजिए। और ये थोड़े से अदरक के जूलियन बना लिए हैं और 4-5 मिर्च को लंबा लंबा काट कर ले लिया है। उसके अंदर तो बहुत सारे मसाले है ही हैं, ये मसाले बाहर दिखने के लिए। और अब डाल देते हैं इसमें ये पनीर और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। और थोड़ा सा डाल देते हैं इनके ऊपर नमक, बिल्कुल थोड़ा सा नमक इनके अंदर है।
और ये थोड़ा सा हरा धनिया, फ्लेम बंद कर देते हैं और अच्छे तरीके से मिला देते हैं। ये तैयार हो गए, सर्व कर लेते हैं। पनीर 65 बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। इसे आप हरे धनिया की चटनी या टमाटो सॉस के साथ परोसिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। और इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आपने पनीर के लिए मसाले तैयार कर लिए, पनीर उसमें मिला लिया, तो पानी नाप कर डालें 2-3 टेबल स्पून, इतना पानी कि मसाले पनीर के ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाएं। और तलते समय ऑयल को देख लें, ऑयल मीडियम हाई गर्म हो, फ्लेम भी मीडियम हाई हो। इन्हें डालने के बाद आप इनको 3-4 मिनट तक बिल्कुल नहीं छुएं, थोड़ा सा नीचे से सिकने दें, तब पलटें। बहुत ही अच्छे पनीर 65 बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और बताइए कैसे लगे। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें।